नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 27 दिसंबर 2023 बुधवार का दिन है और पौष मास के कृष्ण पक्ष आज प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र आज है आद्रा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:37 से लेकर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:30 पे। चंद्रमा की स्थिति रहेगी मिथुन राशि पर। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन शाम 6:02 से लेकर शाम यानी रात्रि 7:32 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि को आज इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले सकते हैं नौकरी को लेकर। आज ट्रांसफर और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, बदलाव के योग दिखाई देंगे। नौकरी में जो असंतोष थे स्टाफ के साथ वो दूर होगा, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा, कार की वाहवाही होगी, साथ ही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, चाहे वो विदेश को लेकर हो या इंपॉर्टेंट बिजनेस व्यापार को लेकर हो, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कन्या राशि को आज जल्दबाजी में कोई भी हड़बड़ी में आप फैसला ना लें वरना नुकसान भी उठाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको समस्याएं देखने को मिलेगी, वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। मानसिक चिंताएं थोड़ी सी परेशान करेगी, मानसिक बेवजह कोई भी चिंता मन में ना लाएं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो लाभ होगा। पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा, आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आज आपको उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना होगा, खासकर आज मित्र महिलाओं का सहयोग प्राप्त होगा और बिजनेस व्यापार में इंपॉर्टेंट डील फाइनल होगी। और साथ ही साथ आज कोई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, घर परिवार का सपोर्ट मिलता नजर आएगा, भाई बहनों में भाईचारे का प्यार भी बढ़ता नजर आएगा, कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो कार्य तमाम तरह के रुके थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, मनचाही सफलता प्राप्त होने का योग भी बनेगा। साथ ही साथ आज बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आज घर परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, मेल मिलाप का यानी मेल मिलाप बना रहेगा। साथ ही जमीन प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मन में आशंकाएं पैदा हो सकती है, पैतृक संपत्ति में लाभ होता हुआ नजर आएगा, नज़दीकी मित्र का सहयोग और रिश्तों में मधुरता रहेगी। साथ ही अगर पहले से अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था तो वो इन्वेस्ट आपके लिए काम आ सकता है, जैसे कि शेयर मार्केट के क्षेत्र में पहले से इन्वेस्ट किया हुआ आज आपको दुगुना धन लाभ देगा, लेकिन लॉटरी सट्टा से दूरी बनाए रखें। जमीन प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ तो लाभ होगा, जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, जो कार्य अभी तक नहीं पूरा हुआ उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, इनकम की बढ़ोतरी होगी, अच्छे कार्यों में लाभ होता नजर आएगा, कोई अच्छे कार्य पूरे होंगे और धन संपदा में तेजी से लाभ होता नजर आएगा। साथ ही साथ बता दें कि आज यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जाने का योजना बना सकते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, मधुर संबंध बने रहेंगे, वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा, संतान की प्राप्ति के रूप में गुड न्यूज प्राप्त होगी और संतान अगर आपके योग्य हैं तो आपके कार्यक्षेत्र में मदद कर सकते हैं, आपको सहयोग देंगे, कुछ उपहार स्वरूप गिफ्ट मिलेगा, प्रेम जीवन में खुशियां लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर के साथ आज काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे, मधुर संबंध बने रहेंगे, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज शिक्षा में सुधार होगा, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा, पढ़ाई पर आज आपका पूरी तरह से फोकस बना रहेगा, कोई अगर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो उसमें आपको पूरा जोर शोर से ध्यान देंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी निगेटिविटी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आज बैंक से लोन वगैरह मंजूर होंगे, बैंक से कुछ लिखा पढ़ी का मामला सॉल्व होगा, मैनेजमेंट के क्षेत्र से या फिर ज्वेलरी और सोने चांदी के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ होगा, मेडिसिन के क्षेत्र से लाभ होगा। साथ ही साथ आज जो अविवाहित जातक है उनके विवाह के योग रिश्ते आएंगे, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य धार्मिक कार्य होने का योग है। आज आपका शुभ रंग रहेगा नीला, भाग सातनी भरा तकरीबन 79%, शुभ अंक रहेगा 3 यानी कि 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।